ट्रेन करना। किसानों के लगभग 1.5 से 2 हजार किसानों के प्रतिनिधि मंडल को गवर्धा गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, गन्ना खेती को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी किसानों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी योजनाओं से प्रेरित होकर एक अध्ययन किया किस तरह से किसानों को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो और लाभ की खेती की ओर जुड़ सके। इस हेतु मैंने पिछले एक साल से अध्ययन किया, क्लाइमेट की जरूरत गन्ने की खेती को चाहिए, वो क्लाइमेट राजनांदगांव जिला अविभाजित राजनांदगांव जिला जिसमें खैरागढ़ भोला मानपुर भी सम्मिलित है में एकदम आदर्श क्लाइमेट है और एक अभी अध्ययन भी हमारे पास आया है कि पूरे देश में जो शुगर फैक्ट्रीज हैं उनका एक रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि पंडरिया का जो शुगर फैक्ट्री है उसका उत्पादन किया है और जो गन्ने 1 क्विंटल गन्ने में 13.5 किलो शक्कर का निर्माण वहां पर हुआ है, शक्कर बनी है। गन्ने की खेती में आपके पास हमने अपने जो स्टिकर्स हैं बड़े बड़े वो दे दिए हैं कि किस प्रकार से गन्ने की खेती और धान की खेती में लाभ है, मेहनत करना पड़ता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी 2640 और 2660 रुपए में धान की खरीदी कर रहे हैं, इसलिए आज किसानों को फायदा खेती में दिख रहा है। धान की खेती में क्विंटल भी किया है, इसलिए किसानों को इस पूरे आंकड़े में फायदा नजर आ रहा है, वरना धान के किसानों की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी 2018 के पहले। अपेक्षाकृत गन्ने की खेती लगभग 3 से 5 साल की खेती है, एक बार लगाना है और 3 से 5 साल तक उस खेती में हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारी कृषक चौपाल भी चालू हो रही है, उसका प्रोग्राम भी हमने आपको दिया हुआ है। सभी सोसाइटी क्षेत्रों में इस हेतु कृषक चौपाल लगाई जाएगी कि जो लोन सुविधा हमारे बैंक से होती है, जिसको 2-2 महीने 3-3 महीने लगवा दिए थे बोर और फेंसिंग के लोन के लिए, उसका भी हमने सरलीकरण किया है। जो 10% ब्याज था उसको हमने 9% किया है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। और जो लोग चाहे गन्ना की खेती करें चाहे धान की खेती करें, अगर वो बोर और फेंसिंग कराना चाहेंगे तो उनको 9% में आप हम लोन देंगे। और है कोई खेल तमाशा नहीं है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ में किसानों को जोड़ना है तो उसमें उनको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कैसे वो फ़ायदा कमाएंगे, किसानों से जीवन से जुड़ा मामला है। इसलिए पूरे अध्ययन के बाद इसको हमने लॉन्च किया है। और रहा सवाल 4.5 साल का, मुझे 1.5 साल ही लगभग बने हैं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने, तो चूंकि ये जिम्मेदारी मिली उसी दिन से मैंने इस प्रयास को चालू किया और पिछले 3-4 महीने में हमने इसे बहुत तेज़ी से काम किया है और आज आपके सामने इसको लॉन्चिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब कृषक चौपाल चालू होगी, उसके माध्यम से भी इसको बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब धान के कटोरे में गन्ने की खेती होगी? निश्चित रूप से धान का कटोरा छत्तीसगढ़ महतारी के भुइयां इतना समृद्ध जमीन है, यहाँ हर प्रकार की खेती हो सकती है। आप देखिए गुजरात से लोग आकर के यहाँ केले की खेती, पपीते की खेती कर रहे हैं। ये धान का कटोरा है, यहाँ की जमीन इतनी समृद्ध है, यहाँ इतना पर्याप्त पानी है। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरामा हीरा मोती से लेकर हर चीज़ है,
तो हमारे छत्तीसगढ़ ये सबसे बड़े तेखरे कारण कहते काबर के छत्तीसगढ़ में हर चीज़ मौजूद है, यहाँ के ज़मीन में हर प्रकार का खनिज है और हमारे यहाँ केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हर प्रकार की खेती की जा सकती है। तो गन्ने की खेती भी यहाँ पर